गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज मयूरी कश्यप बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम ऑप्टिमस मेडिकल इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड पटना आज की क्लास में हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है कौन कौन से टाइप्स होते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के वो सब कुछ डिस्कस कर लिया था ठीक है सो एग्जाम्पल्स उनके डिस्कस करने से पहले हमने जो भी कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा था उसे हम एक टेबल के फॉर्म में पहले समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है और उनके टाइप्स हमने क्या क्या डिस्कस किया था फ़र्स्ट जो टाइप है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का वो है मूचुअलिज़म व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था म्यूचुअलिज्म दो स्पीसीज के बीच का ऐसा एसोसिएशन है जिस एसोसिएशन के कारण दोनों स्पीसीज को फ़ायदा होता है और ये टेम्प्ररी एसोसिएशन नहीं है ये एक परमानेंट एसोसिएशन है जो कि उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है ठीक है इसीलिए यहाँ ब्रैकेट में मैंने दोनों के लिए सिंबल यूज़ किया है प्लस और प्लस इसका मतलब क्या है स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी जो दोनों स्पीसीज़ एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं म्यूचुअलिज्म के थ्रू उन दोनों स्पीसीज़ को एक दूसरे के इंटरेक्शन से क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है और ये एक परमानेंट एसोसिएशन है क्लियर दूसरा इंटरेक्शन हमने देखा था कंपटीशन कंपटीशन में यहाँ हम देख रहे हैं जो सिंबल हमने यूज़ किया है दैट इज़ निगेटिव और निगेटिव विच मींस क्या होगा स्पीसीज़ ए और स्पीसीज़ बी दोनों स्पीसीज़ जो कंपटीशन के थ्रू इंटरेक्टेड है एक दूसरे से दोनों ही स्पीसीज़ को इस इंटरेक्शन से क्या होगा नुकसान होगा इस कारण यहाँ हमने दोनों के लिए सिम्बॉल क्या यूज़ किया है निगेटिव और निगेटिव सिमिलरली अनदर वन इज़ प्रिडेशन प्रिडेशन में देखा जाए तो हमने एक स्पीसीज़ के लिए पॉजिटिव का यूज़ किया है तो दूसरे स्पीसीज़ के लिए निगेटिव का यूज़ किया है इस इंटरक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होगा तो दूसरे स्पीसीज़ को हार्म हो रहा है क्लियर एंड अनदर वन इज़ पैरासिटिज़म पैरासिटिज़म में भी सेम क्या हो रहा है एक को फ़ायदा तो दूसरे को नुकसान पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में ये डिफरेंस है कि प्रेडेशन अपने प्रे स्पीसीज़ को किल कर देता है यानी जिनको हार्म हो रहा है वो कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं मर जाते हैं बट प्रेडेशन के, के केस में लेकिन पैरासिटिज्म के, के केस में ऐसा नहीं होता है पैरासिटिज्म के केस में जो निगेटिव वाला स्पीसीज़ है उसको क्या होता है बहुत ज़्यादा हार्म होता है बट उस केस में किल नहीं होता है क्लियर अनदर वन इज़ कॉमन सेलिज़म में एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा तो दूसरा स्पीसीज में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं शो होगा मतलब वो अनएफेक्टेड होगा विच मीन्स ना ही उसको कोई फ़ायदा होगा ना ही उसको कोई नुकसान होगा उसी तरह नेक्स्ट हमने पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पढ़ा एमेंसेलिज्म एमेंसेलिज्म में हमने क्या देखा एक को नुकसान होता है और दूसरे को ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है अगर इस तरह का इंट्रेक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं एमेंसेलिज़म एंड अनदर वन इज़ प्रोटोकॉरपोरेशन प्रोटोकॉरपोरेशन में क्या होगा दोनों ही स्पीसीज़ को फ़ायदा होगा यहाँ अब कुछ बच्चे पूछेंगे म्यूचुअलिज्म में भी वही हो रहा है प्रोटो कॉर्पोरेशन में भी वही हो रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों में यही डिफरेंस है हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि म्यूचुअलिज्म इज़ अ परमानेंट एसोसिएशन बट प्रोटो कॉर्पोरेशन इज़ एन ऑब्लिगेटरी एंड टेम्प्ररी एसोसिएशन समझ में आ गई बात फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है दोनों स्पीसीज़ को एक दूसरे से फ़ायदा होगा और दोनों का जो एसोसिएशन है वो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है सेकेंड कंपटीशन में क्या होगा दो स्पीसी एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे मे बी सिमिलर रिसोर्स के लिए या लिमिटेड रिसोर्स के लिए और दोनों ही स्पीसीज़ को क्या होगा एक दूसरे से हार्म होगा तीसरा हमने देखा प्रेडेशन प्रेडेशन में एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा पैरासिटिज्म में भी एक को फ़ायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा बट डिफरेंस क्या है प्रेडेशन और पैरासिटिज्म में कि प्रेडेशन के केस में एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ को किल कर देगा बट पैरासिटिज्म में सिर्फ दूसरे स्पीसीज़ को एक स्पीसीज हार्म पहुँचाएगा ऐसा नहीं होगा कि पहला स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ को किल कर दे नेक्स्ट हमने पढ़ा कॉमेंसेलिज्म इसमें क्या होगा एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा तो दूसरे स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ही उसको कोई फ़ायदा होगा ना ही उसको कोई नुकसान होगा वो अन होगा इसीलिए हम उसके लिए सिम्बल यूज़ करते हैं ज़ीरो अनदर वन इज एमनसेलिज्म इसमें एक स्पीसीज को घाटा होगा तो दूसरे स्पीसीज को ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है एंड लास्ट वन इज़ प्रोटो प्रोटोकॉरपोरेशन ये एक टेम्प्ररी एसोसिएशन है जिसमें दोनों ही एस को क्या होगा फ़ायदा होगा बट ये एसोसिएशन सर्वाइवल के लिए असेंशियल नहीं है अब हम लोग जितने भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन हमने पढ़ा है इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अब उन एग्जांपल का डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन इंटरेक्शन यहाँ हमने क्या लिखा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं हम विद दी हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल क्लियर अब इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं म्यूचुअलिज्म का म्यूचुअलिज्म में क्या होता है दोनों ही स्पीसीज को फ़ायदा होता है अब इसे हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं जैसे दी बैक्टीरिया एंड दी ह्यूमन बैक्टीरिया और ह्यूमन के बीच का इंटरेक्शन देखते हैं ये कैसा इंटरेक्शन है अ सर्टिन काइंड ऑफ बैक्टीरिया लाइव्स इन दी इंटस्टाइन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन के इंटस्टाइन में और बहुत सारे एनिमल एंड ऑल्सो मैनी अदर एनिमल बहुत सारे एनिमल के इंटस्टाइन में क्या होता है कुछ तरह के बैक्टीरिया प्रजेंट होते हैं हम लोग सब जानते हैं क्लियर कि हमारे भी इंटस्टाइन में क्या होता है बैक्टीरिया प्रजेंट होता है तो द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल द फूड दैट इट इट्स जो कुछ भी ह्यूमन खाते हैं हम सारे फूड को खुद से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं क्लियर तो जो द बैक्टीरिया ईट द फूड दैट द ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट तो वैसा फूड जो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है उस फूड को कौन ईट कर रहा है जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है एंड पार्शियली डाइजेस्टिड और वो बैक्टीरिया उसको पार्शियली डाइजेस्ट भी कर देता है अलाउविंग द ह्यूमन टू फिनिश दी जॉब और उसके बाद ह्यूमन उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है द बैक्टीरिया बेनिफिट बाई गेटिंग फूड तो बैक्टीरिया को इससे क्या फ़ायदा हुआ उसको फूड मिल गया एंड द ह्यूमन बेनिफिट्स बाई बींग एबल टू डाइजेस्ट फूड इट एट्स तो ह्यूमन को फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो फूड ले रहा है वो आसानी से डाइजेस्ट कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से समझ में आई बात मतलब इसमें क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया है जो कि इंटेस्टाइन में प्रजेंट है पहला स्पीसीज दूसरा स्पीसीज क्या है ह्यूमन तो ह्यूमन जो भी फूड लेता है सारे के सारे फूड को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है तो इंटेस्टाइन में जो दूसरा स्पीसीज दैट इज़ बैक्टीरिया प्रेजेंट है पहले स्पीसीज़ यानी ह्यूमन के वो क्या कर रहा है जो फूड ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है उसको खा जाता है या पार्शियली उसको डाइजेस्ट भी कर देता है तो ह्यूमन का डाइजेशन प्रोसेस भी हो गया इससे और बैक्टीरिया को फूड भी मिल गया तो ये कैसा इंटरेक्शन है ये म्यूचुअलिज्म है यानी सिम्बाइसिस है इसमें दोनों ही स्पीसीज को क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है और अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है क्यों क्योंकि बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रह रहा है अगर उसको फूड नहीं मिलेगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा Clear? तो उसके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है और ह्यूमन का प्रॉपर तरीके से डाइजेशन होना भी ज़रूरी है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए इसलिए बैक्टीरिया और ये जो ह्यूमन का एसोसिएशन है या किसी अदर एनिमल का भी एसोसिएशन हो सकता है तो ये जो एसोसिएशन है ये कैसा एसोसिएशन है म्यूचुअलिज्म है जो कि परमानेंट एसोसिएशन है हमेशा होता है और ये सर्वाइवल के लिए बेनिफिशन अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमने कई बार डिस्कस किया है एलेवेंथ के टॉपिक्स में अ माइकोराइज़ा माइकोराइज़ा इज डिफाइंड एज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ प्लांट एंड फंगी माइकोराइज़ा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच प्लांट के रूट्स के बीच और फंगी के बीच दिस एसोसिएशन इज़ बिटवीन फंगी एंड द्लांट रूट ये जो एसोसिएशन है किसके बीच है फंगी और प्लांट के रूट्स के बीच है वेयर दी फंगी डेराइव फोटो सिंथेसिस शुगर फ्रॉम दी प्लान्ट जो फंगी है वो क्या कर रहा है प्लान से फोटो सिंथेटिक शुगर यानी प्लांट जो फोटोसिथेसिस के थ्रू शुगर प्रिपेयर कर रहा है उसको फंगी ले ले रहा है प्लान से एंड दे एसिस्ट द्लांट बाई फैसिलिटेटिंग दी अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिय एंड वाटर और उसके बदले फंगी प्लांट्स को क्या कर रहा है मिनरल न्यूट्रिएंट्स या वाटर के अपटेक में मदद कर रहा है समझ में आई बात ये हमने पहले भी एलेवेंथ में डिस्कस करा हुआ है मतलब माइकोराइज़ा के बारे में क्या है माइकोराइजा एक ऐसा सिम्बाटिक एसोसिएशन है जिस प्लांट्स और फंगी के बीच का जिसमें फंगी प्लांट से फूड ले रहा है फोटोसिंथेटिक सुगर एंड प्लांट रूट को उसके बदले वो क्या प्रोवाइड कर रहा है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर क्लियर तो जब टर्म माइकोराइजा लिटरली मींस रूट फंगस माइकोराइजा का मतलब क्या है जो हम समझते हैं दैट इज रूट फंगस बट इन ब्रॉड सेंस ऑफ टर्म लेकिन अगर हम इसे क्लियरली समझे तो द इंटरेक्शन डज नॉट ऑलवेज ऑकर ओनली विद द रूट ऑफ दी प्लांट तो ये जो इंटरेक्शन है हमेशा प्लांट के रूट के साथ नहीं होता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं बिकॉज़ अ माइकोराइजल रिलेशनशिप ऑल्सो प्लांट दैट डू नॉट हैव रूट वैसा ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है ये वहाँ भी देखने को मिला है जहाँ रूट नहीं है जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स में एग्जाम्पल मॉसेज एंड लीवर वर्ड्स अगर आप उनके बारे में देखिए जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले कि मॉसेज और लीवर वर्ड्स में भी आपको कौन सा एसोसिएशन देखने को मिलता है माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है दो समझ में आ गई बात यानी ये फंगस और प्लांट के बीच का एसोसिएशन है जिसमें फंगस प्लांट से फोटोसिंथेटिक शुगर ले रहा है और उसके बदले प्लांट को वो मिनरल न्यूट्रिएंट या वाटर प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है समझ आ गई बात ठीक है दूसरा दूसरा एग्जाम्पल हमने देख लिया पहला हमने क्या देखा बैक्टीरिया और ह्यूमन के बीच का म्यूचुअलिज्म दूसरा हमने देखा माइकोराइजा यानी फंगस और प्लांट के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन अब तीसरा हम लोग देखते हैं लाइकन्स जो कि बहुत कॉमन है ये भी हमने एलेवेंथ में डिस्कस किया है माइकोराइजा और लाइकेन के बारे में तो हमने डिटेल में स्टडी किया है क्लियर अब लाइकेन का देखते हैं लाइकेन इज द सिम्बायोसिस बिटवीन प्लांट्स एंड अलगा सॉरी नॉट प्लांट फंगी एंड अलगा अलगी इज ग्रुप्ड अंदर प्लांट ठीक है सो लाइकन इज द सिम्बायोसिस बिटवीन फंगियन प्लांट फंगी और अलगी के बीच का जो एसोसिएशन है उसे हम क्या बोल रहे हैं लाइकन ठीक है तो द फंगस कंपोनेंट ऑफ द लाइकन इज रेफर्ड टू एज माइकोबायट तो इसमें जो फंगल कम्पोनेंट है उसे हम बोलेंगे माइकोबाइन एंड अल्गा का जो कंपोनेंट है उसे हम बोलेंगे फाइकोबायट क्लियर तो द फंगस प्रोवाइड सेल्टर फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू दी अलगा अलगा को शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है वाटर भी प्रोवाइड कर रहा है और मिनरल भी प्रोवाइड कर रहा है एंड इन रिटर्न और उसके रिटर्न में अलगा प्रोवाइड द फूड प्रिपेयर बाई फोटोसिथेसिस अलगा यानी ये क्या है प्लांट है तो प्लांट क्या प्रिपेयर करता है फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू तो ये जो फूड बना रहा है वो इसके इसको फंगस को ये प्रोवाइड कर रहा है समझ में आ गई बात तो यहाँ भी क्या हो रहा है यहाँ भी जो एसोसिएशन हम देख रहे हैं वो कैसा एसोसिएशन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है समझ में आ गई बात ठीक है तो म्यूचुअलिज्म के केस में हमने तीन एग्जाम्पल देखा पहला बैक्टीरिया और ह्यूमन बैक्टीरिया जो वैसे फूड जो ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता उनको खाने में डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और ह्यूमन क्या कर रहा है ह्यूमन बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड कर रहा है और बैक्टीरिया क्या कर रहा है ह्यूमन के लिए फूड को डाइजेस्ट कर दे रहा है क्लियर दूसरा हमने देखा माइकोराइजा माइकोराइजा में हमने क्या देखा फंगी और प्लांट्स के बीच का एसोसिएशन है इसमें क्या हो रहा है जो फंगी है वो क्या कर रहा है प्लांट से फोटोसिंथेटिक सुगर ले रहा है और प्लांट को उसके बदले मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर के अपटेक में मदद कर रहा है ठीक है, Lichens भी फंगी और अलगी के बीच का एसोसिएशन है जिसमें फंगल एसोसिएशन को को बोलेंगे Mycobion, को बोलेंगे अलगल और फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है शेल्टर वाटर मिनरल अलगी को एंड इन रिटर्न अलगी क्या दे रहा है उसको फूड दे रहा है जो कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर करता है तो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आई होप आपको म्यूचुअलिज्म समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअलिज्म क्या है सो so, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्रोटो कॉरपोरेशन का फिर से समझते हैं व्हाट इज़ प्रोटो कॉरपोरेशन इट इज़ टेम्पररी एसोसिएशन इन विच बोथ दीसीज़ आर बेनिफिटेड ये एक टेम्पररी एसोसिएशन है जिसमें दोनों ही स्पीसीज़ को क्या होता है फ़ायदा होता है और ये जो एसोसिएशन है ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है ये एसोसिएशन हो या ना हो किसी भी स्पीसीज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा बट इस एसोसिएशन से दोनों ही स्पीसीज को फ़ायदा होता है तो दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड प्रोटो कॉरपोरेशन अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं पहला एग्ज़ाम्पल जो हमने लास्ट लेक्चर में भी लिया था दैट इज़ टिक बर्ड एंड राइनासरस टिक बर्ड इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड जैसे ऑक्सपेकर ऑक्सपेकर क्या है एक टिक बर्ड है और हम लोग दूसरा लिए थे राइनासेरस इसके जगह आप जेबरा भी ले सकते हैं या अदर कैटल को भी आप रख सकते हैं ठीक है सो ऑक्सपीकर काइंड ऑफ बर्ड लैंड ऑन अ राइनस और जेबरा ऑक्सपीकर जो कि एक तरह का बर्ड है कहाँ लैंड करता है राइनस राइनासेरस या जेबरा पे एंड ईट टिक्स एंड अदर पैरासाइट दैट लाइव ऑन देयर स्किन और वो बर्ड क्या करता है ज़ेब्रा या राइनासेरस या किसी भी ऑर्गेनिज़म के बॉडी पे जहाँ पे वो लैंड किया है बर्ड वहाँ जो भी पैरासाइट्स या जो भी टिक्स और अब बोल सकते हैं इंसेक्ट्स प्रेजेंट है उनको खा 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 जाता है किल ईट कर लेता है क्लियर तो द ओस ऑक्स्पीकर गेट फूड तो इससे क्या हुआ ऑक्स्पीकर को फूड मिल गया एंड द बीस्ट गेट पेस्ट कंट्रोल और जो रायना सेरसिया जैब्रा है उनको पैरासाइट से छुटकारा मिल गया इंसेक्ट से छुटकारा मिल गया पेस्ट कंट्रोल हो गया उनके लिए ऑल्सो वन देयर इज डेंजर और जब भी कभी खतरा होता है द ऑक्स्पीकर फ्लाई अपवर्ड तो ऑक्स्पीकर क्या होगा ऊपर की तरफ फ्लाई करने लगता है उड़ने लगता है एंड स्क्रीम और चिल्लाता है और ये क्या है स्क्रीमिंग अ वार्निंग है विच हेल्प द दिम्बाइट जो कि हेल्प कर रहा है किसको जो एनिमल है जिन पे वो लैंड कर रहा था कि अभी कुछ डेंजर है समझ में आ गई बात तो यहाँ क्या हो रहा है दोनों को ही एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है हुआ क्या फिर से समझ रहे हैं इस केस में कि पिकर एक तरह का बॉर्ड है जो कि लैंड करता है राइना या जबरा के बॉडी पे रहता है उसके बॉडी पे जितने भी इंसेक्ट्स और पैरासाइट्स है वो उसको खा जाता है तो इससे उस बर्ड को क्या मिला फूड मिला न्यूट्रिशन मिला एंड उसने क्या किया जो एनिमल है राइनासरस या ज़ेब्रा जो भी है उनको पैरासाइट से फ्री कर दिया मतलब पेस्ट को कंट्रोल कर लिया समझ आ गई बात और जब भी कभी जो एनिमल है जिन पे वो लैंड है उनको खतरा होता है तो ऑक्स ऑक्सपीकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है और स्क्रीम करने लगता है चिल्लाने लगता है तो ये एक वार्निंग देता है उन सिम्बाइंस को समझ में आ गई बात तो इससे क्या हो रहा है दोनों को ही फायदा हो रहा है बट हमेशा ऐसा नहीं होता ये कभी कभी होता है तो इट इज़ अ टेम्पररी एसोसिएशन करे बात दूसरा एग्जाम्पल सेम इन द केस ऑफ ग्रेजिंग कैटर लाइक बोफोलो एंटीलो क्लियर इन सब के केस पे भी सेम होता है समझ में आ गई बात तो प्रोटो कॉर्पोरेशन एक टेम्पररी एसोसिएशन है सो so, नेक्स्ट अब हम लोग डील करते हैं कॉमेंसलिज्म कॉमेंसलिज्म कहने का मतलब एक को फ़ायदा और दूसरे को क्या हो रहा है किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है विच मीन्स कि दो स्पीसीज हैं दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ कॉमेंसेलिज्म के थ्रू इंटरेक्टेड है जिसमें हो क्या रहा है एक स्पीसीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है दूसरे स्पीसीज से बट जो दूसरा स्पीसीज है उसको ना ही कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है तो इसे हम बोलते हैं कॉमन सेलिज्म अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें और क्लियर समझ में आए एग्ज़ाम्पल है कैटल अग्रेड बर्ड एंड ग्रेजिंग कैटल इसमें क्या हो रहा है दीज बर्ड लाइव नियर कैटल ये जो बर्ड है वो कैटल्स के आसपास ही रहते हैं बिकॉज ऐसा क्यों तो व्हेन द कैटल ग्रेज तो जब भी कैटल कोई ग्रेज करता है आप देखते होंगे अपने आसपास कोई भी काओ ब फैलो अगर ग्रेज कर रहे हैं ठीक है तो देयर मूवमेंट स्टार अप इंसेक्ट तो उनके मूवमेंट से इंसेक्ट्स जो हैं वो स्टार अप होते हैं ठीक है तो अनलाइक ऑक्सपीकर दे डो नॉट इंगेज इन क्लिनिंग ऑक्स ऑक्स्पीकर जो हमने लास्ट प्रोटोकॉरपरेशन में देखा उसकी तरह ये जो बर्ड है वो क्लीनिंग सिम्बाइसिस कहने का मतलब पेस्ट कंट्रोल में इंगेज नहीं होते हैं ये यहाँ ये बर्ड सिर्फ क्या करते हैं पिकिंग पैरासाइट ऑफ द कैटल दे फॉलो ये सिर्फ क्या करते हैं कैटल को फॉलो करते हैं कैटल पे लैंड नहीं करते हैं इस चीज़ को याद रखिएगा सो कैटल अग्रेट सिंपली स्कूप ऑफ द इंसेक्ट तो जो भी इंसेक्ट कैटल्स के रास्ते में आ रहे हैं कैटल से डिस्टर्ब हो रहे हैं उस इंसेक्ट्स को ये लेते हैं फीड करते हैं यहाँ इसी वही मेंशन किया है मैंने कि कैटल अग्रेट सिंपली स्कूप ऑफ द इंसेक्ट डिस्टर्ब बाय द पैसेज ऑफ लार्जर एनिमल लार्जर एनिमल के गुजरने के कारण जो इंसेक्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उस इंसेक्ट्स को खाने में को, कौन खा रहा है उसको कैटल अ ग्रेट बर्ड द बर्ड गेट मील एंड द कैटल आर ऑन बॉर्डर तो इससे कैटल को तो कोई फायदा नहीं हुआ ठीक है सिर्फ फ़ायदा किसको हुआ बर्ड को हुआ और क्यों फ़ायदा हुआ बिकॉज लार्जर एनिमल जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ से इंसेक्ट्स क्या हो रहे थे स्कूप अप हो रहे थे और उनको कौन स्कूप उसको स्कूप अप कर ले रहा था कैटल समझना गई बात ठीक है सो so, कॉमनसेलिज्म में सबसे पहला एग्जाम्पल हमने देखा कैटल अग्रिड बर्ड एंड ग्रेजिंग कैटल फिर से समझ रहे हैं इसमें क्या हो रहा है जहाँ से भी ग्रेजिंग कैटल ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं ये एक लार्जर ऑर्गेनिज्म है तो ये ऑर्गेनिज्म जहाँ से भी मूव करते हैं वहाँ से इंसेक्ट्स क्या होता है डिस्टर्ब होने लगता है तो इंसेक्ट्स जब वहाँ से हटने लगता है तो उस इंसेक्ट्स को कौन फीड कर लेते हैं जो कैटल को फॉलो कर रहे थे कौन फॉलो कर रहे थे अग्रेट बर्ड फॉलो कर रहे थे ठीक है तो इससे उन बर्ड को क्या हुआ उन बर्ड को तो मील कहने का मतलब उनको अपना न्यूट्रिशन मिल गया बट इससे कैटल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ समझ आ गई बात ठीक है दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसका समझते हैं हरमिट क्रैप का इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम इन विच वन ऑर्गेनिज्म क्रिएट एन इन्वायरमेंट सुटेबल फॉर अनदर इसमें क्या कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट सुटेबल कर दे रहा है बट इससे उस ऑर्गेनिज्म को कोई फायदा नहीं हो रहा दीज क्रैब ये जो क्रैब है लाइव इन साइड दी सेल ऑफ़ डेड स्नेल डेड स्नेल्स के सेल में ये क्या करता है रहता है मतलब इस क्रैब को वहाँ क्या मिला शेल्टर मिल गया ऑबियसली द स्नेल इज अनअफेक्टेड स्नेल उस केस में क्या है अनएफेक्टेड है एंड क्रैब क्रैब को क्या मिल गया है सेल्टर मिल गया है समझ में आई बात तो ये भी एक टाइप का एसोसिएशन है कैसा एसोसिएशन है कॉमन सेटिजन है समझ में आ गई बात ठीक है सो so, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन दैट इज पैरासिटिज्म ठीक है पैरासिटिज्म में क्या होता है एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है तो उसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इंडो पैरासाइट का ये कैसा पैरासाइट है इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है जो सेल के अंदर काम करता है ठीक है ना जैसे मलेरिया मलेरिया कौन कॉज करता है प्रोटोजोन ऑफ द जीनस किसके जीनस का है प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाई द बाइट ऑफ एनोफिलस मॉस्क्यूटो एनोफिलस मॉस्क्यूटो फीमेल एनोफिलीन मॉस्क्यूटो के काटने से क्या हो रहा है मलेरिया हो रहा है तो यहाँ क्या हुआ ह्यूमन को तो मलेरिया हो गया पॉजिटिव कहने का मतलब सॉरी नॉट निगेटिव ह्यूमन होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसको क्या हो रहा है हार्म हो रहा है डिजीज हो रहा है दैट इज मलेरिया बट मॉस्क्यूटो को अपना न्यूट्रिशन मिल गया अपना उसका क्या हो गया फ़ायदा हो गया तो ये जो एग्ज़ाम्पल है इंडो पैरासाइट का ये किसका केस है पैरासिटिज़म का केस है आ गई बात दूसरा इक्टो तो पैरासाइट का एग्जाम्पल लेते हैं टिक्स दैट लाइव ऑन डॉग्स डॉग्स पे जो टिक्स प्रेजेंट होते हैं कैट्स पे जो टिक प्रेजेंट होते हैं वो क्या है पैरासाइट्स हैं दे आर लिविंग ऑफ द ब्लड ऑफ द सिमिलर इन केस ऑफ लाइस ये क्या करते हैं डॉग से कैट से ब्लड ले लेते हैं ब्लड को आ, शक कर लेते हैं ठीक है तो इससे तो उनको न्यूट्रिशन मिल गया बट डॉग और कैट्स को इससे क्या हो गया नुकसान हो गया समझना की बात तो दीज आर द केस ऑफ पैरा सिटीजन अनदर हम लोग देखते हैं प्रिडेशन प्रिडेशन के के केस में क्या होता है ये भी दो स्पीसीज के बीच का ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें एक को फायदा दूसरे को नुकसान होना है बट ये बहुत ही देखा जाए तो एक तरफ से ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा भी है और नुकसान भी है मैंने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया है कि किस तरह से ये इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है ठीक है ना जैसे एग्जाम्पल हार्वी वोरस एनिमल हार्वी वोरस एनिमल क्या करते हैं प्लांट को खाते हैं तो उन वो प्लांट को खाते हैं तो हार्विवोरस एनिमल को तो अपना न्यूट्रिशन मिल गया उनको तो फ़ायदा हो गया बट प्लांट क्या हो गया मर गया ना तो प्लांट को यहाँ क्या हुआ नुकसान हुआ या कार्निवोरस एनिमल कार्निवोरस एनिमल्स किसको खाते हैं एनिमल्स को ईट करते दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म को ईट करते तो दूसरा ऑर्गेनिज्म तो मर गया और इनको क्या हुआ अपना फ्लैश यानी अपना मीट कह सकते हैं अपना न्यूट्रिशन मिल गया क्लियर तो ये जो केस है ये किसका केस है ट्रेडिशन का है ठीक है तो इट इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन इन्वामेंटल बैलेंस तो ये जो है ये हमारे इन्वामेंट के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए भी हेल्पफुल है बिकॉज अगर आप जानते हो जैसे हम लोग पढ़ते फूड आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तो अगर एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता है तो दूसरे ऑर्गेनिज़म का जैसे मान लीजिए अगर आ, कोई प्रेडेटर और प्रे की बात करें तो प्रेडेटर कहने का मतलब वो जो दूसरे को खाता है शिकारी ठीक है जो शिकार को खा रहा है ठीक है तो जो शिकार है जिसका शिकार होना है उसका शिकारी अगर इन्वामेंट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा जो शिक जिसका शिकार होना था उसका जो नंबर है वो इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ होने लगेगा तो नंबर अगर इंक्रीज होने लगेगा तो जो हमारे जो उनके पास रिसोर्स है वो क्या है वो तो लिमिटेड है तो अगर उनका नंबर इन्वामेंट में बढ़ने लगा और उनको खाने वाला कोई नहीं है शिकारी नहीं है उनका तो क्या होगा तो वो आपस में ही एक दूसरे के साथ कंपीट करने लगेंगे वो लिमिटेड रिसोर्स के लिए तो अब कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा जिनके पास रिसोर्स अवेलेबल होगा वो सर्वाइव करेंगे जिनके पास नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ये एक तरह से क्या है इन्वामेंट को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ज़्यादा अच्छे से समझा था ठीक है तो प्रडेशन के केस में क्या होता है एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को पूरी तरह से क्या कर देता है किल कर देता है क्लियर बात नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कंपटीशन कंपटीशन में क्या होता है जो दो स्पीसीज है दोनों ही स्पीसीज को क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इन साउथ अमेरिकन लेक विजिटिंग फ्लैविंगोज एंड रेसिडेंट फिश ये जो दो स्पीसीज आप देख रहे हैं एक है विजिटिंग फ्लैविंगज एंड दूसरा है रेसिडेंट फिशिस कंपीट फॉर देयर कॉमन फूड दोनों एक दूसरे से कॉमन फूड के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और वो फूड क्या था जू प्लैंकटॉन इन दी लेक एंड सेकेंड थिंग रिसोर्स नीड नॉट टू बी लिमिटिंग फॉर कंपटीशन कंपटीशन होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स ही कम हो किसी भी अदर फैक्टर के कारण कंपटीशन हो सकता है ये आगे हम लोग देखते हैं बट यहाँ पे क्या हो रहा है कंपटीशन कहने का मतलब दो जो स्पीसीज़ हैं वो दोनों स्पीसीज़ एक ही फूड के लिए जू प्लैंगटॉन के लिए क्या कर रहे थे फाइट कर रहे थे तो ये जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है कंपटीशन का एग्जांपल है क्लियर अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कम्पटिशन सोर्सिटे लिमिट है इसके कारण हो इसको हम समझते हैं इससे इंटरफेरेंस कम्पटिशन या कॉम्पिटिटिव रिलीज ये लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या हो रहा है इंटरफेरेंस कंपटीशन में कि द एबेंड एबिंगडॉन् टोटोइ इन गैलापेगोज आइलैंड गैलापेगोज आइलैंड पे एबिंगडॉन टॉर्टोइज प्रेजेंट था वो क्या हो गया बिकम एक्सटिंक्ट खत्म हो गया विद इन डिकेड कुछ ही समय में आफ्टर गोट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड कब जब गोट को उस आइलैंड यानी गैलापेगोज आइलैंड पे गोट को इंट्रोड्यूस किया गया तब अपेरेंटली अचानक से ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग इफिशियंसी ऑफ गोट 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 का जो ब्राउजिंग इफिशियंसी था वो बहुत अच्छा था इस कारण से समझ में आई बात मतलब हुआ क्या कि पहले उस गैलापेगोज आइलैंड पे सिर्फ एबिंगडन टोटॉइज प्रेजेंट था अब अचानक से क्या हुआ जैसे ही गोट को उस आइलैंड पे लाया गया तो गोट का जो ग्रेजिंग एबिलिटी है वो एबिंगडन टोटॉइज से काफ़ी अच्छा था तो उसके कारण क्या हुआ गोड्स का जो स्पीशीज है वो बढ़ता गया और एबेंगे टॉटइज़ अचानक से क्या हो गया बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया गैलापगोज आइलैंड से तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी इन्वामेंट में सुपीरियर स्पीसीज़ को डालते हैं तो उसके कारण इन्फीरियर स्पीसीज़ क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है क्लियर तो इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन समझ में आ गई बात ठीक है इसे हम क्या बोल रहे हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन अनदर वन इज कॉम्पिटेटिव रिलीज ये देखते हैं क्या है इसमें मैंने लिखा था इसे हम और क्या बोलते हैं कॉर्नल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज कॉर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो किया गया था दैट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड रॉकी सी कोस्ट जो है स्कॉटलैंड का द लार्जर एंड कम्पिटिटिव सुपीरियर बर्नेकल बेलानस डोमिनेट्स दी इंटर टाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड दलर बर्नेकल इसमें क्या हुआ कि जो लार्जर एंड कम्पटिवली सुपीरियर बर्नेकल था कौन था बेलानस वो डोमिनेट कर रहा था पूरे के पूरे एरिया में पूरे के पूरे स्कॉटलैंड सी कोस्ट के एरिया में एंड उसके कारण क्या हुआ एक्सक्लूड कर लिया मतलब हटा दिया उसने स्मॉल बर्ड को छोटे बर्ड को जिसका नाम था कैथेमेलस ठीक है फ्रॉम द जोन तो कॉम्पटिटिव रिलीज में क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ को हटा दे रहा है यानी अगर आप किसी इन्वामेंट से क्या करते हैं सुपीरियर स्पीसीज़ को एलिमिनेट करते हैं तो इन्फीरियर स्पीसीज अपने आप फिट हो जाता है ठीक है ना नहीं तो क्या होगा सुपीरियर स्पीसीज़ का नंबर बढ़ते जाएगा तो इसे हम बोल रहे हैं कॉम्पटिटिव रिलीज समझ में आगे बात ठीक है एंड अब हम समझते हैं सबसे लास्ट इंट्रैक्शन दैट इज़ एमनसेलिज्म एमेंसेलिज्म में क्या होगा एक को नुकसान होता है और दूसरे दूसरे को ना ही कोई फ़ायदा ना ही कोई नुकसान हो रहा है ठीक है फर्स्ट एग्जाम्पल सेडिंग आउट ऑफ वन प्लांट प्लान्टई अ टॉलर एंड वाइडर वन एंड द इनहिबिशन ऑफ वन प्लांट बाई दिक्रिएशन ऑफ अनदर नोन एज एलिलोपैथी हमने लास्ट क्लास में भी देखा था एमसेलिज्म को दो फॉर्म्स में एक एंटीबायोसिस और दूसरा एलिलोपैथी तो ये जो पहला एग्जाम्पल है वो एलिलोपैथी का है इसमें क्या हो रहा है जो बड़े प्लांट है टॉलर प्लांट है वाइडर प्लांट है वो क्या करते हैं छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं ठीक है हटा देते हैं तो इससे बड़े प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन जो छोटे प्लांट्स थे उनको क्या हुआ हार्म हुआ ना तो इसे हम क्या बोलते हैं एलिलोपैथी फिर से समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है शेडिंग आउट ऑफ वन प्लांट बाय अ टॉलर एंड वाइडर एक प्लांट का दूसरे प्लांट से हटना जो बड़े प्लांट है उससे या वाइडर प्लांट है एंड द इनहिबिशन ऑफ वन प्लांट बाय द सीक्रेशन ऑफ अनदर या किसी बड़े प्लांट से या दूसरे प्लांट से अदर प्लांट को क्या होना हार्म होना थ्रू सिक्रीशन ठीक है इसे हम क्या बोल रहे हैं एलिलोपैथी क्लियर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एंटीबायोसिस में क्या होता है इन एंटीबायोसिस वन ऑर्गेनिज्म सिक्रीट अ केमिकल एक ऑर्गेनिज्म क्या सिक्रीट करता है केमिकल दैट किल दी अदर ऑर्गेनिज्म जिससे क्या होता है जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जा रहा है मर जा रहा है वाइल दी वन दैट सिक्रीट दी केमिकल इज हन अनहार्म और जो दूसरा है वो जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है उसको कोई हार्म नहीं हो रहा है लेकिन वो जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है उस केमिकल से दूसरे इंसान को क्या हो रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म हो रहा है ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं एंटीबायोसिस फॉर एग्जाम्पल मेनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंग आर परफेक्टली कैपेबल ऑफ ग्रोइंग ऑन ब्रेड अंडर राइट कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में बहुत सारे बैक्टीरिया फंगी है जो ब्रेड पे ग्रो कर जाते हैं तो द ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम कॉमनली ग्रो ऑन एनी ब्रेड तो ब्रेड मोल्ड जो है पेनीशीलियम वो कॉमनली किसी भी ब्रेड पे ग्रो कर जाता है दैट हैज़ पास्ड इट सेल्फ लाइफ जो कि अपना सेल्फ लाइफ पास कर चुका है दिस मोल्ड इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पेलीसिल और ये मोल्ड के पास क्या कैपेबिलिटी है पेनीसीलिन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है जो कि क्या कर सकता है डिस्ट्रॉय मेनी ऑफ द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है दैट वुड ऑल्सो लाइक टू ग्रो ऑन दिस ब्रेड तो उससे क्या होगा जो ब्रेड पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो मर जाएंगे बट इससे पेनिसिलियम ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम को कोई नुकसान नहीं होगा तो दैट इज़ द केस ऑफ एंटी समझ में आ गई बात ठीक है तो ये जो सारे एग्जाम्पल थे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे पॉपुलेशन इंटरेक्शन का तो आई होप आपको यहाँ तक पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो कुछ भी हमने पढ़ा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन के टाइप विथ एग्ज़ाम्पल्स ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन है वो ख़त्म होता है हमने सबसे पहला क्या पढ़ा ऑर्गेनिज्म के बारे में देन हमने पढ़ा पॉपुलेशन पॉपुलेशन में हमने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में उससे रिलेटेड ग्रोथ मॉडल्स देखे एंड देन हमने देखा इंटरेक्शन पॉपुलेशन इंटरेक्शन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में हमने दो तरह का ग्रोथ कर्व देखा एक एक्सपोनेंशियल जिसे हम जे शेप्ड बोलते हैं एंड दूसरा लॉजिस्टिक जिसे हम एस शेप या सिगमोइड बोलते हैं एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमने म्यूचुअलिज्म प्रोटोकॉर्पोरेशन एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन कंपटीशन, इन सब इंटरेक्शन uh, को डिस्कस किया विद एग्जांपल, ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी के बारे में पढ़ना जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज नॉट ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुल्स के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं ऑर्गेनिज़म बोल रहे हैं एंड ऑर्गेनिज़म से ही क्या फॉर्म होता है पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन इज़ ग्रुप ऑफ़ सिमिलर स्पीसीज एक ही तरह के इंडिविजुअल स्पीसीज़ का ग्रुप क्या कहलाता है पॉपुलेशन उसी तरह पॉपुलेशन से हमने देखा था क्या फॉर्म होता है कम्युनिटी तो व्हाट इज़ कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ अलग अलग स्पीसीज के का पॉपुलेशन का ग्रुप क्या कहलाता है कम्युनिटी कहलाता है फिर से समझ रहे हैं व्हाट इज़ कम्युनिटी इट इज़ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिफरेंट स्पीसीज़ के पॉपुलेशन का ग्रुप क्या कहलाएगा कम्युनिटी कहलाएगा ठीक है जैसा कि हमने सबसे पहले पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था पॉपुलेशन के अंदर उसी तरह अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कम्युनिटी के करेक्टरिस्टिक को कि कम्यूनिटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक कम्यूनिटी uh, के अंदर आता है दैट इज़ डोमिनंस डोमिनस आप समझते होंगे डोमिनेंस का मतलब क्या है किसी जगह पे मान लीजिए एक क्लासरूम है क्लासरूम में जो डोमिनेंट नेचर का इंसान होता है वो कौन होता है अगर स्टूडेंट ग्रुप की बात करें तो डोमिनेंट कौन होता है जो सबसे स्मार्ट होता है सबसे पढ़ने में अच्छा होता है हर चीज़ों में अच्छा होता है ठीक है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है क्लियर तो उसी तरह से कम्युनिटी के अंदर भी डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं जैसे प्रोजोपिस प्लांट कम्युनिटी इन अरावली हिल्स अगर आप इसके बारे में देखो तो अरावली हिल्स में जो सबसे डोमिनेंट करैक्टर जिसके बारे में अरावली हिल्स जाना जाता है दैट इज़ प्रोजोपिस प्लांट कम्युनिटी समझ में आगे बात ठीक है मतलब जिस चीज़ से कोई च, च, आ, कोई कम्युनिटी जानी जाए दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर ठीक है ना तो जो अरावली हिल्स है उसका डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है प्रोजोपिस प्लांट कम्युनिटी एक चीज़ और उससे पहले याद रखिएगा यहाँ ब्रैकेट में मैंने दिखा लिखा है बायोटिक कम्युनिटी बायोटिक कम्युनिटी कहने का मतलब क्या होता है प्लांट कम्युनिटी प्लस एनिमल कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी इन तीनों को मिला करके हम बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी अब बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर अभी हमने डिस्कस नहीं किया है आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इको सिस्टम में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा ठीक है so, सो यहाँ बस हमें इतना समझना है वॉट इज़ बायोटिक कम्युनिटी ऑल दी लिविंग कम्युनिटीज़ बायोटिक कम्युनिटी तो लिविंग कम्युनिटी में क्या क्या आ रहा है प्लांट कम्युनिटी प्लस एनिमल कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी ठीक है अब तो कम्युनिटी के अंदर पहला हमने समझ लिया कौन सा करेक्ट्रिसिटी आ रहा है डोमिनेंस दूसरा डायवर्सिटी डायवर्सिटी कहने का मतलब स्पीसीज़ का रिचनेस कितने स्पीसीज़ उस एरिया उस कम्युनिटी में प्रेजेंट है दैट इज़ रिचनेस ऑफ़ स्पीसीज़ और उसी ही हम क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम स्पीसीज़ मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर आप सर्च कीजिए कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिल रहा है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको अलग अलग तरह के स्पीसीज़ देखने को मिलेंगे ठीक है तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है डाइवर्सिटी उसी तरह कम्युनिटी का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ स्ट्रैटिफिकेशन वट इज़ स्ट्रैटिफिकेशन इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन लेयर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का लेयर में जो अरेंजमेंट हम दिखाते हैं दैट इज़ स्ट्रैटिफिकेशन जैसे कि अगर हम एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं लेयर्स में तो देखिए सबसे छोटा लाइनस लाइनस से फिर ट्रीज ट्री सॉरी ट्रीज से पहले क्या आता था सर्व सर्ब से पहले हर्ब्स ठीक है सरफेस डेलर्स ये सब हम लोग जानते हैं सबसे छोटा क्या आ जाता है सरफेस डेलर देन हर्ब्स देन सर्ब्स देन ट्रीज देन क्लाइंबर्स यानी लाइनस ठीक है वुडी क्लाइंबर्स को हम क्या बोलते हैं लाइनस तो ये जो हम लेयर्स में यहाँ से यहाँ तक ये जो लेयर में दिखा रहे छोटे से बड़ा इसे ही हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन यानी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का लेयर्स में जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है एंड द फोर्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी इज इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन कहने का मतलब डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी इन बैरन एरिया किसी भी बैरन एरिया में किसी कम्युनिटी का डेवलप मतलब वैसा एरिया जो बंजर हो उस एरिया में अगर किसी कम्युनिटी का अचानक से डेवलपमेंट हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है टाइप्स ऑफ सक्सेशन किस किस तरह का सक्सेशन होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सो so, यहाँ पर हमने बस इंट्रोडक्शन दिया है कि कम्युनिटी क्या होता है ठीक है क्या होता है फिर से समझते हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन का ग्रुप क्या कहलाता है कम्युनिटी कहलाता है पूछा जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन सॉरी कम्युनिटी तो डोमिनेंस डाइवर्सिटी स्ट्रेटिफिकेशन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन अब डाइवर्सिटी क्या होता है स्पीसीज का रिचनेस ठीक है डोमिनेंस नेचर कहने का मतलब वैसा नेचर जिसके कारण वो कम्युनिटी जानी जाए दैट इज़ डोमिनेंट नेचर ठीक है स्ट्रेटिफिकेशन अलग अलग लाइफ फॉर्म्स का लेयर में जो अरेंजमेंट होता है उसे ही हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में हम इसे समझेंगे एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब बैर एंड बंजर एरिया में कम्युनिटी का डेवलपमेंट जो है क्या कहलाता है सक्सेशन कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कम्युनिटी के के साथ ही आगे हम लोग बढ़ेंगे सो so, तब तक के लिए इतना ही स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड थैंक यू